This is a cult of wrestling guys, so bhai swagat hai aapka hamare channel pe. To aaj ki video mein baat karne wale hain aaj hui Monday Night Raw ke bare mein. हाईलाइट बताने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला, लेटेस्ट अपडेट बताना और आफ्टर मंडे नाइट रो क्या क्या हुआ और भाई रोमन रेंज के बारे में बहुत खतरनाक अपडेट है, द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में बहुत बवाल लेवल की अपडेट है और बैश इन बर्लिन से रिलेटेड बात करेंगे. तो भाई करना गया पूरी वीडियो को देखना, लेट्स रोल द टेप. अब देखिए सबसे पहले बात करें आज मंडे नाइट रो की, अच्छा लगा ना भाई? अच्छा लगा कि नहीं लगा? भाई जिस तरह से लास्ट वीक का मंडे नाइट रो गया था बवाल लेवल का, आज भी वैसा ही था, बस मेन इवेंट थोड़ा बढ़िया हो जाता तो मजा आता था. लेकिन आज की बात करें मंडे नाइट रो की, तो भाई यहाँ पे तो वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड गुंथर की फेस ऑफ होता है और दोनों का फेस ऑफ कमाल था. सबसे पहले भाई आज काफी वक्त बाद रैंडी ऑर्टन का एक परफेक्ट प्रोमो देखने को मिला हमें. आई थिंक कि रैंडी ऑर्टन का जब से रिटर्न हुआ है अभी तक का सबसे बेस्ट सेगमेंट लगी मेरे को ऑर्टन की, बिकॉज ऑर्टन ने यहाँ पे माइक पे बहुत अच्छी अच्छी बातें करी. एक तो भाई रैंडी ऑर्टन जब भी माइक पे बोलता है उसको सुनने का मन करता है यार, बहुत मजा आता है जब वाइपर ऑर्टन बोलता है माइक के ऊपर, उसकी आवाज, उसका लहजा, जिस तरह से वो बोलता आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग. और आज वाकई में दवाई पर रैंडी ऑर्टन ने सारी चीजें बताई अपने बारे में, हिस्ट्री के बारे में. ऑर्टन ने बताया कि भाई 20 साल पहले, आई थिंक 20 साल पहले ही शायद, हाँ 20 साल पहले उसने इसी अरीना के अंदर, इसी लोकेशन के अंदर, इसी सिटी के अंदर अपना पहला वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीता था इसी अरीना के अंदर. तो भाई बहुत बड़ी बात, आपको याद होगा रैंडी ऑर्टन इज द यंगेस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री. ये बात तो भाई बहुत अमेजिंग है. और उसी के बाद ही भाई गुंथर को हराने की बात ऑर्टन करते हैं, लेकिन गुंथर आ जाता है भाई. लेकिन गुंथर और ऑर्टन के बीच में ये सेगमेंट कमाल थी, गुंथर यहाँ पे पर्सनल हो जाता है रैंडी ऑर्टन के दादे के बारे में, फादर के बारे में मजाक उड़ान लगता है. तभी भाई ऑर्टन को गुस्सा आता था. भाई ऑर्टन का जो हील टर्न होता है ना वो अभी तक देखने को मिला नहीं, लेकिन आप बिलीव मी मैन, जिस दिन ऑर्टन का हील टर्न होगा ना वो बवाल मचा देगा भाई, बवाल मचा देगा. सही कह रहा हूँ भाई, मजा आ जाने वाला है जिस दिन ऑर्टन का हील टर्न होगा, जस्ट लाइक 2018 में होता, आपको याद होगा. So, उसी के बाद भाई अचानक से ड्रू मैकइंटायर की सेगमेंट होती है. ड्रू मैकइंटायर इंटरप्ट करता है एक्चुअली इन दोनों को, और ड्रू मैकइंटायर के इंटरप्ट की वजह से भाई ये दोनों डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होते, दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं, लेकिन गुंथर डिस्ट्रैक्ट हुआ था हल्का सा. उसी के बाद एक आरक्यू पड़ जाती है गुंथर के, एंड देन फिर भाई आप समझ सकते हैं कि द वाइपर स्ट्राइक आउट ऑफ नोवेयर, एंड देन फिर द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक आता है भाई, ड्रू मैकइंटायर पर बवाल लेवल का अटैक कर देते हैं. ड्रू मैकइंटायर पर भाई इतनी बुरी तरह से सीएम पंक अटैक करते हैं ना भाई, आज बेल्टों से मारते हैं ड्रू मैकइंटायर को. और आप देख सकते हैं ड्रू मैकइंटायर की भाई हालत क्या हो जाती है मार खाने के बाद. ड्रू मैकइंटायर को रिंग के बाहर, यहाँ वहां, बैरिकेड पे, हर जगह से सीएम पंक धोते हैं बुरी तरह से. एंड भाई ड्रू मैकइंटायर ने इसी के साथ एक फोटो भी शेयर करी, आप देख सकते हैं, दिस इज अ फोटो एंड बिलीव मी गाइस दिस इज अ रियल. हु से प्रोफेशनल रेसलिंग इज फेक, हु से डब्ल्यूडब्ल्यूई इज फेक, डब्ल्यूडब्ल्यूई इज नॉट फेक, इट्स स्क्रिप्टेड बट इट्स नॉट फेक. जो मार पड़ती है वो रियल होती है, फेक नहीं होती. जो ब्लड निकलता है वो भी रियल होता है भाई, कौन कहता है ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब रियल होता है. बस हिम्मत होनी चाहिए दर्द सहने की, दैट इज अ मेन थिंग, हिम्मत होनी चाहिए. सो ये चीज है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच में. आज एक और सेगमेंट देखने को मिली, यहाँ पे अपर हैंड मिला सीएम पंक को. अब इसी के बारे में आगे अपडेट बताऊंगा, लेकिन सबसे भाई इसके बाद बात करें भाई अंकल हाउडी के बारे में, यानी कि बो डैलस के बारे में. एक सेगमेंट होती है आज बो डैलस की, टेप रिकॉर्डिंग होती है जिस तरह से इंटरव्यू होते हैं, और आज बो डैलस भाई अपने आप को सही में भाई जिस तरह से इन्होंने ब्रेव एड को ट्रिब्यूट दिया ना भाई, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग. उसी के बारे में बात करते हैं इसी अरीना के अंदर, जिस अरीना के अंदर आज बात हो रही थी, इसी अरीना के अंदर वाइड फैमिली का डेब्यू हुआ था 2013 के अंदर, अगर आपको याद होगा. भाई बवाल लेवल का था उस समय, जो ब्रेव एड ने हमने एक रेटर इंट्रोड्यूस किया था वो आउटस्टैंडिंग था, बिलीव मी मैन. और आज बो डैलस उसी के बारे में बात करते हैं, उसी की याद में आते हैं. और उसी के बाद अंकल हाउडी एक पेशकश आती है, तो एक देखा जाए तो भाई जैसा मैं हमेशा कहता हूँ इनके बारे में, अंकल हाउडी बो डैलस वाइड सिक्स इज अ सिनेमा, ये एक सिनेमा है और इसको सिनेमा की तरह ही बुक करो तो बेहतरीन है. इनको हर हफ्ते देखने की जरूरत नहीं है, डब्ल्यू कंपनी बेहतरीन कर रही है, एक परफेक्ट फ्यूड इनके लिए प्रिपेयर करी जानी चाहिए. और मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई अंकल हाउडी के लिए बवाल लेवल का मैच होना चाहिए, बिकॉज अभी तक हमने अंकल हाउडी का एक सिंगल डब्ल्यू कंपनी मैच नहीं देखने को मिला है, ये बात आप सब जानते हैं. सो दैट इज अ मेजर थिंग, जब भी मैच होगा अंकल हाउडी का बैश इन बर्लिन में, चांसेस अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगते कि कोई वो मैच होने वाला, लेकिन बैड ब्लड के अंदर भाई बवाल लेवल का मैच होगा अंकल हाउडी का, बिकॉज अब बहुत लेट हो चुका है, आई थिंक एक महीने से ऊपर हो चुका है. आपको अंकल हाउडी को कोई ना कोई राइवलरी के अंदर डालना पड़ेगा, सिंगल राइवलरी के अंदर मजा आना चाहिए. अब दोस्तों
बात करें द नेक्स्ट, ये है रिया रिप्ले के बारे में। आप देखिए रिया रिप्ले और डायमंड प्रिंस अलग हो चुके हैं जजमेंट डे से, एक तरह से उनको निकाल दिया गया है और जजमेंट डे अलग बन गई है। अब डायमंड प्रिंस की और रिया रिप्ले की फैशन अलग बन गई है, लेकिन हम सबको पता है जो रियल जजमेंट डे है वो यही दोनों है समझ लो एक तरह से। लेकिन भाई अब ये दोनों अलग हो चुके हैं, तो इन दोनों ने अपनी अलग फैशन बना ली एक तरह से। नाम क्या है आई डोंट नो, आप मेरे को कमेंट में बताइए इनका नाम क्या है फैक्शन का। लेकिन भाई यहां पर अब इनके बीच में राइवलरी चलने वाली है। लेकिन बैश इन बर्लिन में एक मैच कंफर्म हो चुका है आपको, मैं दिखाना चाहता हूं यहां पे, रिया रिप्ली डायमंड प्रिंस वर्सेस एक मिक्स टैग टीम मैच है डोमिनो मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन का, और ये मैच बैश इन बर्लिन के लिए बुक किया गया है। अब देखिए मैच तो होना ही कंपल्सरी है, मैच होना ही होना है, लेकिन इसके बाद की फ्यूड चलने वाली है डायमंड प्रिंस वर्सेस फिन बैलर के बारे में। अब फिन बैलर से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट बताऊं आपको, फिन बैलर का डीमन वाला कैरेक्टर वापस आ सकता है। यू नो डैट भाई, डीमन वाला फिन बैलर मेरे को कितना ज्यादा पसंद है, और वो पसंद भी था, आई थिंक बहुत समय तक वो पसंद था। लेकिन भाई रोमन रिंग से हरवा देना उसको, उसके बाद एज से उसको हरवा देना, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से करेक्टर खत्म कर दिया डब्ल्यू कंपनी ने फिन बैलर का डीमन वाला। लेकिन अब एक रूमर निकल के सामने आ रहा है कि डीमन बैलर रिटर्न हो सकता है, और आई थिंक कहीं ना कहीं इसके चांसेस भी ज्यादा, बिकॉज आपको याद होगा जो फिन बैलर है वो एक हील करेक्टर है, अब आप समझ सकते हैं वो पूरी तरह से अपने आप को लीडर मान चुका है, और डैमियन प्रिंस आई थिंक इसको एक बार हरा देगा, लेकिन उसके बाद ये राइवलरी दोबारा स्टार्ट होने वाली है। ये आई थिंक ये एक मैच की राइवलरी नहीं है, ये दो या तीन मैच की राइवलरी होगी, उसी के बीच में आपको डीमन वाला करेक्टर देने को मिलने वाला है जो डैमियन प्रिंस के साथ मैच लड़ेगा। अब मैं सिर्फ यही चाहता हूँ भाई डीमन वाला फिन बैलर वापस आए, लेकिन बवाल लेवल का वापस आए, ये नहीं दोबारा से हार जाए, तो ये चीजें देखनी पड़ेगी डब्ल्यू कंपनी को। लेकिन हाँ, इनके बीच में राइवलरी है, अब कट्टी चलने वाली है, लॉन्ग चलने वाली है, रेसलमेनिया 41 तक चलने वाली है। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है, मेन थिंग इज दैट। अब दोस्तों बात करें सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की, अब दोस्तों इनके बीच में क्या चलने वाला, देखिए इनके बीच में बहुत कुछ हो चुका है, आई थिंक ये पूरा साल ही ये दोनों की राइवलरी का रहा है, बिकॉज आई थिंक रॉयल रंबल से राइवलरी स्टार्ट हुई, और अब सितंबर अगस्त सितंबर भी आ जाएगा, अक्टूबर भी आ जाएगा, तब भी राइवलरी भाई चलने वाली है। पता नहीं भाई डब्ल्यू कंपनी इस राइवलरी को कब तक लेके जाने वाली है, और आई डोंट थिंक सो बैन ये राइवलरी कब तक चलने वाली, बट द मेजर थिंग इज दोस्तों अब इनके बीच में मैच आपको होता नजर आने वाला है जिसके चांसेस काफी ज्यादा। देखिए बैश इन बर्लिन में चांसेस हैं, बैश इन बर्लिन में भी चांसेस है कि इन दोनों के बीच मैच सेट हो सकता है, लेकिन अभी मुझे कहीं ना कहीं ये चांसेस कम लगते हैं, बिकॉज एक तो भाई बैश इन बर्लिन कोई मेजर पीएलई तो नहीं है, इसलिए आई थिंक जो बैश इन बर्लिन के अंदर मैचेस हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं, बिकॉज कोडी का ये मैच बुक हो चुका है। तो सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर एक बहुत बड़ा मैच है, और एक ऐसा मैच है जिसको आप नो डिस्क्वालिफिकेशन में देखें तो बेहतरीन होगा। और एक रूमर आ रहा है, जो रूमर आपको मैंने काफी वक्त पहले बताते, दो महीने पहले जब बैड ब्लड अनाउंस हुआ था, बैड ब्लड का मेन इवेंट होने वाला है सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर, एक हेल इन अ सेल मैच है, और ये मैच आपको होता नजर आने वाला है बैड ब्लड के अंदर, और यही मेन इवेंट होने वाला है, बैड ब्लड का बवाल लेवल का मैच होगा। इसीलिए डब्ल्यूडी कंपनी ये सारी चीजें कर रही है। अब आपको पता है भाई हेल इन अ सेल मैच डब्ल्यूडी कंपनी के अंदर रेसलमेनिया 39 के अंदर हो, तो उसके बाद देने को नहीं मिला, लेकिन अब फाइनली इस साल वापस आएगा बैड ब्लड के साथ। और आपको याद होगा डब्ल्यूडी कंपनी बैश इन बर्लिन को इतना मेजर तरीके से शोप नहीं कर रही है जिस तरह से बैड ब्लड की हाइप बना रही है। सो बैड ब्लड जो दो महीने बाद है पीएलई, वहां पर बेस्ट इन अवर सीएम वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के पीछे सिंगल मैच देने को नजर आने वाला, एक हेल इन अ सेल मैच होगा भाई बवाल लेवल का, उससे पहले आई डोंट थिंक सो इनके बीच में मैच होने वाला है, और डब्ल्यूडी कंपनी को कराना भी नहीं चाहिए, बिकॉज इन दोनों की जो हाइप है वो एक नेक्स्ट लेवल की हाइप है। अब दोस्तों बात करें द मेन थिंग, ये है सैमी ज़ेन के बारे में। देखिए सैमी ज़ेन का आज मैच सब ब्रोन ब्रेकर के अगेंस्ट 2 out of 3 falls, और इस मैच में सैमी ज़ेन हार जाता है, और अब सैमी ज़ेन के बाद जो डायरेक्शन है वो अभी तक अननोन है, मतलब सैमी ज़ेन का क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, सैमी ज़ेन कहां जाने वाला किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों बता दूं सैमी ज़ेन की अब डायरेक्शन डायरेक्ट जाने वाली है ब्लड लाइन के अंदर। जी हाँ, अब फाइनली वक्त आने वाला है, अभी तो नहीं, आप मान सकते हैं कि वॉर गेम के आसपास या फिर क्राउन जूल के आसपास वो वक्त आ जाएगा रोमन रेंस के बाद, जो आपको सैमी ज़ेन और जे उसो ये दोनों ही ब्लड लाइन में जाते नजर आने वाले हैं। तो सैमी ज़ेन एंड जे उसो ये दोनों ही दोस्तों आपको अब शुरुआत होने वाली है इनकी ब्लड लाइन के साथ ज्वाइन होने की, बिकॉज जे उसो का भी आपको पता कुछ होने रहा सिंगल में, सैमी ज़ेन के भी के लिए कोई प्लान नहीं है बिकॉज उसका एक रीमैच था आज हो चुका है, और जे उसो का तो पता ही आपको भाई, उसको हर पीएलई के अंदर हरवाया जाता है, वो जीतता तो है नहीं, मनी इन द बैंक भी वो जीता नहीं। तो डायरेक्शन वही है इनकी एक, कि इसको रोमन रेंस के साथ ज्वाइन होना है इन सबको, और एक ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन वॉर गेम मैच बनाना है, जिसकी शुरुआत आपको आई थिंक नेक्स्ट वीक से होती नजर आने वाली है सैमी ज़ेन की तरफ से या फिर जियोसो की तरफ से, बिकॉज दोनों की लिए फ्यूड कुछ भी नहीं रहेगी, पेंडिंग फ्यूड कुछ भी नहीं है, फ्यूचर में फ्यूड है ब्लड लाइन के अगेंस्ट, तो दैट इज द मेन थिंग। अब दोस्तों बात करें रोमन रेंस के बारे में, तो रोमन रेंस के बारे में अपडेट बता दूं, रोमन रेंस इज ऑफिशियली शेड्यूल
दिस फ्राइडे स्मैकडाउन। जी हाँ, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए रोमन रेंज को एडवर्टाइज कर दिया है। अब वो वक्त आ चुका दोस्तों जिसका इंतजार हमको था, बिकॉज लास्ट वीक हमें लग रहा था कि रोमन रेंज माइक पर बोलेंगे, लेकिन दोस्तों अब फाइनली वो वक्त आ चुका जब रोमन रेंज को माइक पर बोलना पड़ेगा। अपनी सारी चीजें रोमन रेंज को रिवील करनी पड़ेगी जो उन्होंने रेसल मिलने के बाद से महसूस किया है, बिकॉज फादर के साथ भी उनकी क्या होता आपको पता ही है। उसके बाद बहुत चीज हुई है रोमन की लाइफ में, पॉल हेमन को बिट्रे किया गया, ब्लड लाइन से उनका हार लिया गया, चैंपियनशिप हारी गई, तो बहुत चीज हुई है रोमन के साथ। वो सभी चीजें आपको रोमन के मुंह से सुनने को मिलेगी स्मैकडाउन के अंदर। मैं चाहता हूं भाई लड़ाई शड़ाई हो गई है, समरस्लैम में अटैक कर दिया, स्मैकडाउन में कर दिया, लेकिन अभी इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंज प्रोमो दे, माइक के ऊपर कुछ बोले भाई, वो बहुत समय हो चुका है रोमन को सुने बिना। एक्नोलेज मी का सुना भाई, बवाल मच जाएगा भाई। तो रोमन रेंज दोस्तों आपको इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आते नजर आने वाले हैं, दैट इज द मेजर थिंग। और भाई वेट नहीं हो रहा रोमन को देखने के लिए भाई। अब बात करें रोमन रेंज का आगे शेड्यूल क्या है, जो ऑलरेडी कल की वीडियो बता चुका हूं कि रोमन का शेड्यूल भाई यही है कि आप मान सकते हैं कि रोमन रेंज बैश इन बर्लिन में कम्पीट नहीं करने वाले, वो ये तो बात कंफर्म है। रोमन रेंज का एक मैच होगा बैड ब्लड के अंदर, अब ये भी कंफर्म नहीं है बिकॉज बैड ब्लड का मेन इवेंट ऑलरेडी सेट है, तो रोमन अगर आया तो मेन इवेंट तो नहीं होगा। अभी कुछ भी नहीं पता, जब तक रोमन के मुंह से कुछ सुन नहीं लेते ना कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज अभी तक मैं अपनी प्रेडिक्शन भी बता नहीं सकता बिकॉज कोई क्लियरली तो नहीं है मेजर जो प्रेडिक्शन बताऊं मैं आपकी, बट दैट इज अ मेजर थिंग कि रोमन रेंज का रिटर्न आपको इस हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में अगेन देखने को मिलने वाला, वो भाई बहुत अच्छी बात है। रोमन इसको रेगुलर बुक किया जा रहा है, बेहतरीन है, स्टोरी लाइन तभी चलेगी भाई, बिकॉज अगर अब डिले कर दिया तो कहीं ना कहीं राइवलरी खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों लास्ट अपडेट भी है रोमन रेंज एंड पॉल हेमन के बारे में, अपडेट क्या है ये सुन लीजिए भाई। देखिए पॉल हेमन को सपोर्ट किया गया था, मैंने आपको फोटो दिखा दी थी लास्ट वीक की, पॉल हेमन और रोमन रेंज ये दोनों ही बैकस्टेज इकट्ठे थे, और पॉल हेमन का भी एक तरह से ऑन टेलीविजन पर कोई रोल नहीं है, उनको बिट्रे कर दिया गया एक तरह से, वो इंजर्ड है, लेकिन बैक स्टेज में पॉल हेमन एक्टिव है, पूरी तरह से शोल अंडर काम कर रहे हैं, रोमन के साथ भी थे लास्ट वीक, और आप देख सकते हैं सारी फोटो के अंदर पॉल हेमन एंड रोमन एक साथ नजर आ रहे हैं। तो भाई पॉल हेमन का रिटर्न कब होगा, पॉल हेमन कब टेलीविजन पर आएंगे? देखिए ये बात तो ऑफिशियल है कि पॉल हेमन का रिटर्न बहुत जल्दी होगा, और आप मान सकते हैं कि शायद नेक्स्ट वीक हो जाए या फिर उससे हफ्ते, या फिर स्मैकडाउन जब यूएसए नेटवर्क पर मूव हो जाएगा कुछ हफ्तों के अंदर, तब जो है पॉल हेमन का आपको एक मैसिव रिटर्न देखने को मिलने वाला है, एक्नोलेज द ट्राइबल चीफ के रूप में, मतलब उनके वाइजमैन के रूप में। सो दैट इज अ मेजर थिंग। पॉल हेमन एंड रोमन रेंज बैकस्टेज पर है, बैकस्टेज दोनों बातचीत है, सब ठीक है, लेकिन ऑन टेलीविजन बहुत जल्दी वक्त आने वाला है जब पॉल हेमन एंड रोमन आपको एक साथ नजर देखने को मिलने वाले हैं। सो दैट इज अ मेजर थिंग। तो दोस्तों दिस इज अ लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम टुडे एंड फ्रॉम WWE, एंड एक सिंपल छोटी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट WWE, लाइक एंड शेयर द वीडियो, हिट द बेल आइकन। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।